रांची झारखंड से करीब 150 किलोमीटर दूर गुमला जिले में एक पहाड़ पर स्थित है टांगीनाथ धाम। दावा किया जाता है कि इस पहाड़ी पर एक मंदिर में भगवान परशुराम का फारसा गढ़ा है। यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक एक बार एक लोहार ने परशुराम के फारसा को चोरी करने की कोशिश की थी। थोड़े दिनों बाद उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि जो भी इस फारसा से छेड़छाड़ की कोशिश करता है उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। कहा जाता है कि खुले में रहने के बावजूद परशुराम के फारसा में आज तक कभी जंग नहीं लगा। जंग न लगने की खासियत से आकर्षित होकर इलाके में रहने वाली लोहारा जनजाति के कुछ लोगों ने फारसे को ले जाने की कोशिश की थी। उखाड़ने की कोशिश में असफल होने पर उन्होंने फारसे के ऊपरी भाग को काट दिया, लेकिन उसे भी नहीं ले जा सके। इस घटना के सबक लेते हुए लोगों ने जमीन की ढलाई का करवा दी और उसी ढलाई में फारसे का टूटा हुआ हिस्सा भी स्थापित कर दिया। उधर फारसे से छेड़छाड़ का खामियाजा लोहारा जाति को अब भी भुगतना पड़ रहा है। कई जनरेशन के बाद आज भी उस जाति का कोई व्यक्ति टांगीनाथ धाम के आसपास के गांव में नहीं रह पाता। कहते हैं उस वक्त घटना के बाद से ही इलाके में लोहारा जाति के लोगों की एक एक कर मौत होने लगी। डर के मारे उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया और अब भी धाम के आसपास भटकने से डरते हैं। टांगीनाथ धाम में सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग और प्राचीन प्रतिमाएं खुले आसमान के नीचे पड़ी है। ये प्रतिमाएं उत्कल के भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर, गौरी केदार आदि स्थानों से खुदाई में प्राप्त मूर्तियों में से मेल खाती है। बता दें कि पुरातत्व विभाग ने 1979 में टांगीनाथ धाम में खुदाई करवाई थी। इसमें सोने चांदी के आभूषण समेत कई कीमती वस्तुएं मिली थी। कुछ कारणों से यहां खुदाई जल्दी ही बंद कर दी गई और हमारे धरोहर फिर जमीन में दबे रह गए। खुदाई में हीरा जड़ित मुकुट, चांदी के अर्ध गोलाकार सिक्के, सोने के कड़े, सोने की कनबालियां, तांबे की बनी टिफिन में जिनमें काला तिल या चावल रखा था आदि चीजें मिली थी। यह सब चीजें आज भी डुमरी थाना के मालखाने में रखी हुई है। खुदाई का अचानक बंद होने और वस्तुओं को मालखाने में पड़ा होने के पीछे क्या वजह थी, यह आज भी रहस्य है। खुद भगवान परशुराम ने यहाँ गाड़ा था फारसा। किंवदंतियों के अनुसार यह फारसा भगवान परशुराम ने यहाँ खुद गाड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार लाखों साल पहले हुए भगवान परशुराम का टांगीनाथ धाम से क्या रिश्ता हो सकता है, यह शोध का विषय है। लेकिन यहाँ उनके आगमन की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कही जाती है। त्रेतायुग के दौरान जनकपुर में स्वयंवर के दौरान शिवजी का धनुष तोड़ने के बाद सीताजी से विवाह कर श्री राम भाई लक्ष्मण और अन्य परिजनों के साथ अयोध्या लौट रहे थे। रास्ते में विष्णु के ही एक अन्य अवतार माने जाने वाले परशुराम ने उन्हें रोक लिया। वे शिवजी का धनुष तोड़ जाने से नाराज थे क्योंकि शिवजी ही परशुराम के गुरु थे। परशुराम ने राम को खूब बुरा भला कहा, लेकिन वे मौन रहे। पर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। उन्होंने परशुराम के साथ लंबी बहस की और इसी बीच परशुराम को पता चल गया कि राम भी उनकी तरह विष्णु के ही अवतार है। यह जानकर परशुराम बहुत लज्जित हुए और अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए घनघोर जंगलों के बीच एक पहाड़ पर आ गए। उस पहाड़ पर उन्होंने अपना फारसा गाड़ दिया और बगल में बैठकर तपस्या करने लगे। गुमला के लोग पीढ़ियों से ही यह किंवदंती सुनते आए हैं कि परशुराम ने जिस जगह तपस्या की थी वह टांगीनाथ धाम ही है। धाम में परशुराम के पदचिन्ह भी मौजूद है।